रूस यूक्रेन के बीच में टकराव बढ़ा, लेकिन यहां टकराव की स्थिति और ज्यादा बढ़ गई है ईरान और इसराइल के बीच में। अपडेट यह है कि ईरान में हमास के प्रतिनिधि का बड़ा बयान सामने आ गया है और वो कह रहे हैं निश्चित रूप से ईरान बदला लेकर रहेगा। इसराइल की जमीन पर तबाही के अंगारे अब दिखाई देंगे। इसराइल की तबाही के बाद हानिया का बदला पूरा होगा। हमास चीफ हानिया जो मारा गया पिछले दिनों, उसी के बाद से ईरान बौखला गया है। साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि हमला यहूदियों की धरती को दहला कर रख देगा। ईरान में हमास के प्रतिनिधि हैं खालिद कदौमी और उन्हीं के जरिए ये बड़ा बयान दिया गया है ईरान में और ये कहा गया है कि इसराइल को तबाह कर कर रहेंगे, इसराइल की जमीन पर तबाही के अंगारे दिखाई देंगे। अब इसी धमकी के बाद, या फिर ये कहिए पिछले दिनों से जो चल रही है इस तरह की चेतावनी और धमकी है, इनके बीच में परमाणु युद्ध का अंदेशा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि ना तो ईरान पीछे हटने के लिए तैयार है और ना ही इसराइल कदम पीछे खींच रहा है। उधर गाजा में बड़ी तबाही, हमास के खात्मे पर अड़ा हुआ इसराइल और इन सबके साथ ही ईरान में बैठे हुए हमास के चीफ की जब हत्या हुई, उसके बाद से ईरान बहुत ज्यादा बौखला गया। अब साथ ही साथ कुछ ऐसे सवाल हैं जो लगातार उठ रहे हैं, अरब में परमाणु युद्ध का खतरा क्यों बना हुआ है? आप जानिए, ईरान परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है, इसराइल पर हमला करके उसका परीक्षण भी करेगा जो जानकारी मिल रही है। साथ ही साथ एन सेंटर के लॉन्च पैड पर न्यूक्लियर मिसाइल तैनात की गई है, सुरक्षा के लिए 3-लेयर सिक्योरिटी सिस्टम यहां पर लगा दिया गया है। साथ ही साथ अमेरिका ने इसकी जासूसी के लिए सर्वेलांस ड्रोन भेजे हैं, क्योंकि अमेरिका लगातार नजर बना रहा है और इसराइल को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है। ईरान को कह रहा है कि कदम पीछे हटा लो। साथ ही साथ तेहरान और फोर्दो सेंटर की तस्वीरें भी सामने आई हैं। अमेरिका के पास इश्वाहान और नतांज पर भी हमले की तैयारी यहां पर दिखाई दे रही है। हमले के लिए F-18 वॉरशिप से उड़ान को लेकर तैयारी पूरी की गई है। इससे पहले ड्रोन ईरान ने नाकाम कर दिए थे, जो भेजे गए ड्रोन थे वो ईरान ने नाकाम कर दिए थे। इधर ईरान तैयार है, प्रॉक्सी देशों का साथ है, उधर इसराइल तैयार है, अमेरिका की पूरी नज़र है, इसराइल के साथ अमेरिका खड़ा हुआ नजर आ रहा है। अब ये युद्ध की स्थिति कहां तक पहुंचेगी? राज श्रीवास्तव जी हैं, मेजर शाह हैं। मेजर शाह, ईरान पीछे नहीं हट रहा, इसराइल किसी भी तरीके से कदम पीछे खींचेगा नहीं, ये नेतन्याहू साफ कर चुके हैं, यानी क्या ये टकराव होगा और अगर टकराव होगा तो क्या परमाणु युद्ध के तौर पर सामने आएगा? ओके, बड़ा कुछ चंद एक महीने पहले आता हूं। देखिए, इसी साल 2024 में ईरान इसराइल का, ये मैं इसको प्रॉक्सी युद्ध कहूंगा क्योंकि ये युद्ध तो शुरू हुआ था इसराइल और हमास के बीच में, ईरान आ गया बीच में, तो इसको मैं प्रॉक्सी युद्ध कहूंगा एक तरीके से, ठीक है। फिर ये पहली अप्रैल को ईरानी कंसुलेट का डमास्कस सीरिया के अंदर बॉम्बिंग हुई थी और पहले ये था कि किसने क्या, इसराइल ने क्या, किसने क्या, जिसमें मल्टीपल सीनियर ईरानी ऑफिशियल्स इसमें मारे गए थे। ईरान ने कहा ये प्रॉक्सी युद्ध है, हम इसकी इसका बदला लेंगे। तो एक इजरायली लिंक्ड शिप थी MSC एरीज, वो लॉन्च हुई, उस पर स्ट्राइक्स लॉन्च किए और फिर उसके बाद इसराइल पर 13 अप्रैल को इसराइल के अंदर ये अटैक लॉन्च हुए। फिर इसराइल ने भी फिर जवाबी कार्रवाई करी और ईरान और सीरिया पे 19 अप्रैल को, तो ये युद्ध ये बेसिकली तब वहां पर ये रुक लिया जब ईरान का इसके अंदर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट आया। अब अमेरिका ने भी वॉर्न किया है ईरान को कि भैया तुम पीछे आ जाओ, तुम पंगे मत लो फालतू में, क्योंकि ईरान बिल्कुल दादा बना हुआ है यहाँ पर। वो चाह रहा है कि भाई मैक्सिमम सपोर्ट मिले उसको, लेबनान से भी मिले, हिजबुल्ला से सपोर्ट इकट्ठा कर रहा है, वो इख्तियार कर रहा है। हाँ। वहां पे यमन से हूती बैक रिबेल्स उसको भी ले, उसके बाद फिर सीरिया जॉर्डन और सऊदी अरेबिया तो अपना स्टांस बिल्कुल क्लियर कर लिया। अब बड़ी बात तो ये भी है ना, जो प्रॉक्सी देशों के दम पर उछल रहा था ईरान, वो भी एक एक करके कन्नी काट रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि युद्ध से किसी का भला नहीं होगा, नुकसान बड़ा झेलना पड़ेगा। उधर से अमेरिका बार बार चेतावनी दे रहा है कि सुधर जाओ, पीछे हट जाओ, लेकिन यहाँ पीछे हटने को ईरान तैयार नहीं। इन सब के साथ ही एक और अपडेट है, गाजा में इसराइल का ऑपरेशन क्लीन तेजी से आगे बढ़ा है। IDF की बमबारी से दहल गया है राफा, 24 घंटे में 40 ठिकानों पर बमबारी की खबर है और गाजा में अब तक हालत ये हो गई है कि 40,000 लोगों की मौत हुई है। इनमें महिलाएं हैं, छोटे बच्चे हैं, दूध पीते बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, लोगों का नुकसान लगातार हो रहा है, सिविलियंस की जान जा रही है और अब तक 40 ठिकानों पर जो हमला हुआ है उसमें 40,000 लोगों की जान गई है। 24 घंटे के भीतर ये 40 ठिकानों पर हमला हुआ है और अब तक जो गाजा में तबाही बढ़ी हुई है उसके पीछे इसराइल का सीधे तौर पर हाथ और 40,000 लोगों की जान।
साथ ही साथ एक और बड़ा अपडेट भी है, गाजा के खान यूनिस पर विनाशक हमले की खबर है। हमास की कमांड ऑफिस पर भीषण बमबारी हुई है, हमले में तबाह हुआ है हमास का टनल नेटवर्क। गाजा में आईडीएफ का ऑपरेशन सिनवार चल रहा है और आईडीएफ का ये ऑपरेशन लगातार आगे बढ़ता रहेगा, क्योंकि सीधे तौर पर यहाँ नेतन्याहू के इंस्ट्रक्शंस, जब तक हमास पूरी तरह से खत्म ना हो जाए ये ऑपरेशन, यानी कि ये युद्ध चलता रहेगा और इस युद्ध में पिस रहे हैं आम लोग, सिविलियंस। बड़ी तबाही की तस्वीरें, जिनमें से कुछ तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख भी रहे हैं। बहुत सी तस्वीरें ऐसी हैं जो नैतिकता के आधार पर हम आपको दिखा नहीं सकते, कलेजा मुंह को आ जाएगा, ऐसी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं गाजा से। साथ ही साथ एक और अपडेट भी आप जानिए, क्योंकि हिजबुल्ला इसमें बहुत ज़्यादा इसराइल की तरफ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, या ये कहिए धमकियां देता हुआ नजर आ रहा है। हिजबुल्ला के ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर ये अपडेट है, हिजबुल्ला इसराइल में ग्राउंड ऑपरेशन चलाएगा, यानी जो अभी तक सिर्फ मिसाइल रॉकेट नजर आ रहे थे वो ग्राउंड ऑपरेशन के तौर पर भी सामने आएगा। हिजबुल्ला ने हजारों लड़ाकों को सीमा पर भेज दिया है, हिजबुल्ला के लड़ाके गहरी खाइयों में छिपे हुए हैं, बस मौके का इंतजार, या ये कहिए बस एक हरी झंडी इंस्ट्रक्शंस का इंतजार। गोलान हाइट से बड़ी घुसपैठ की तैयारी है इन लड़ाकों की, रिदवान सेना की अगुवाई में ग्राउंड ऑपरेशन होगा और ये ग्राउंड ऑपरेशन घातक साबित हो सकता है। राज श्रीवास्तव जी, अब ईरान सिर्फ धमकी नहीं दे रहा है, एक कदम आगे बढ़ा चुका है, उधर इसराइल भी है जो पीछे हटने को तैयार नहीं, और ये हिजबुल्ला के इस कदम को आप कैसे देखेंगे? ग्राउंड ऑपरेशन तो सबसे ज्यादा खतरनाक कहा जाता है। ग्राउंड ऑपरेशन खतरनाक होता है, उसमें जो है सिविलियन ज्यादा मारे जाते हैं, और निश्चित रूप से उत्तरी ईरान की तरफ ये गोलन हाइट की तरफ से जो अंदेशा हो रहा है, इसके प्रतिरूप इसराइल जो है धमाधम इस समय हिजबुल्ला के ठिकानों पर हमला कर रहा है। रहा सवाल ये कि क्या भविष्य में इस तरह की ये लड़ाई और बढ़ती जाएगी, मेरा अपना विचार ये है कि नवंबर तक ये कुछ नहीं होगा, इस तरह की धमाचौकड़ी मचती रहेगी। जिस दिन अमेरिका को, नाटो के देशों को ये पता लग जाएगा कि ईरान के पास संवर्धित यूरेनियम का भंडार एटम बम बनाने लायक हो गया, उस दिन ईरान पर हमला होगा, ये बिल्कुल सुनिश्चित मानिए। क्योंकि अगर ईरान ने एटम बम बना लिया तो वो आतंकवादियों के थ्रू अमेरिका या नाटो के देशों पर उसका निश्चित रूप से हमला होगा, क्योंकि ये इतने कट्टरपंथी लोग हैं, इनमें मानवता का रत्ती भर भी वो नहीं है। और रहा सवाल हमास का, हमास तो खत्म होगा, ये तो नेतना उन्हें कसम खा रखी है, तभी ऑपरेशन सिनवार उन्होंने अभी चालू किया है। और पुतिन, हमास और हिजबुल्ला के जितने भी एयर स्ट्राइक हैं, ड्रोन्स हैं, जो ईरान ने इनको सप्लाई किए हैं, उनको रोकने के लिए जो अमेरिका का अब्राहम लिंकन वहाँ आ चुका है और दूसरा भी वहाँ पर जहाज मौजूद हैं, और फ्रांस ने, जर्मनी ने, आपके इटली ने, इन सब ने जो है क्लियर कट के दिया है कि अगर इसराइल पर ये यहाँ हमला होता है ईरान की तरफ से तो वो मैदान में कूद पड़ेंगे, तो निश्चित रूप से वर्ल्ड वार तीन की वो शुरुआत हो सकती है। यानी आप कह रहे हैं वर्ल्ड वॉर का खतरा, और वर्ल्ड वॉर यानी कि सिर्फ दो देशों के बीच ये टकराव नहीं होगा, अगर विश्व युद्ध की नौबत आती है तो बड़ी तबाही दुनिया के अलग अलग देश भुगतेंगे, ऐसे आसार हैं, और इसीलिए हम कह रहे हैं परमाणु युद्ध का खतरा अरब में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। राज श्रीवास्तव जी, मेजर शाह, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए।